मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये रुमाल क्यों बांधा हुआ है। सो रुमाल इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि अभी अभी मैंने जस्ट बाबू जी की फ़ोटो लगाई है। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम लोग कहाँ पे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ड्रिल मशीन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, लाइक कील वगैरह नहीं ठोक सकते हैं। सो वॉल पे तो हम लोग नहीं लगा पाए, तो हम ये सोच रहे थे कि छोटा सा एक टेबल ले आएंगे, वहाँ पर रख लेंगे फ़ोटो। बट इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं काम में कि मतलब जाने का चांस ही नहीं मिल रहा है, इवन ग्रॉसरी करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। सैटरडे संडे अभी आया ही था, उस टाइम मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। सो मैंने सोचा कि जब तक हम लोग टेबल नहीं ले लेते तब तक मैं कुछ घर पर ही सेटअप करूँ। सो मैंने पीछे मेरी एक मतलब अलमीरा थी छोटी सी जो यहाँ पर मिली थी हमें, तो उसको मैंने स्टैंडिंग पोजिशन पर लगा दी है और ऊपर से उसको कपड़ा वपड़ा बिछा के अच्छे से वहाँ पे बाबा जी की फ़ोटो रख दी है, क्योंकि फ़िलहाल कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब हम टेबल ले आएंगे तो फिर हम लोग चेंज कर लेंगे लोकेशन उनकी। और अभी जस्ट मैंने फ़ोटो रखी है और मैं सोच रही हूँ कि आज हम लोग प्रसाद भी बनाएं। अभिषेक गया हुआ है इंटरव्यू के लिए, उसकी आज 4-5 जगहों पर इंटरव्यू है, तो वो शाम तक ही आएगा वापस। सो जब तब तक के लिए हम ही व्लॉग कर लेते हैं। वैसे मैंने प्रसाद आज तक कभी बनाया नहीं है, लाइक हलवा मैंने कभी भी नहीं बनाया, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाली हूँ। एक बड़ी शादी के बाद जो हलवा बनाते हैं वो भी मम्मा ने ही बना दिया था, मैंने सिर्फ करछी घुमा दी थी। सो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे देखा है क्वांटिटी कितनी लेनी है, कैसे क्या करना है। सो मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाने वाली हूँ, पता नहीं कैसे बनेगा। वैसे अच्छा ही बनेगा क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद तो अच्छा ही बनता है अगर दिल से बनाओ तो। एंड गाइज, इफ़ यू आर न्यू हेयर देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ एंड हिट द बेल आइकन। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, इससे एक मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियोज़ बनाने के लिए कि एक कॉन्टिन्यू ब्लॉगिंग करनी चाहिए मुझे। सो एक वो मोटिवेशन मिल जाती है और कुछ नहीं है। सो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। सो अब हम लोग चलते हैं नीचे और प्रसाद बनाते हैं। हे गाइस, सो मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन हमारी कुछ ऐसी लगती है, पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट अ हाउस टूर, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो चलो मैंने यहाँ पे सारा सामान वगैरह निकाल के रख दिया है, मैं दिखाती हूँ क्या क्या चाहिए होता है हमें हलवा बनाने के लिए। ओके गाइज, तो सबसे पहले हमें चाहिए आटा, जितना भी आपको बनाना है उस हिसाब से क्वांटिटी, और जितना आटा है उतना ही हमें देसी घी लेना है सेम क्वांटिटी में, एंड हमें उसका हाफ शुगर लेना है। वैसे मैंने यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस देखी है सब उतना ही क्वांटिटी ले रहे हैं जितना हमने आटा और घी लिया है, बट मैंने कम लिया है क्योंकि हम लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जैसा मीठा खाते हो उस अकॉर्डिंग आप चीनी डालना, एंड इसमें पानी भी डलेगा, पानी डलेगा डबल, जितना आटा है उसका डबल, लाइक एक कटोरी आटा है तो 2 कटोरी पानी डलेगा। सो सबसे पहले जाएगा हमारा घी, जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा हम लोग इसमें आटा डाल देंगे। घी हमारा हो गया है मेल्ट, अब हम डाल देंगे इसमें आटा। आटा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें। एंड गाइस, जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखनी है और आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन जैसा ना हो जाए, बिल्कुल कैरेमल जैसा या बिल्कुल डार्क ब्राउन, तब तक हमें इसको आपको पकाना है लो फ्लेम पे। घी की खुशबू आनी शुरू हो गई है, एंड घी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छा ही है, घी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा लगता है टेस्ट में। ये धीरे धीरे डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, अभी हमें इसे और पकाना है। एंड गाइस, मैं खुद पहली बार बना रही हूँ तो प्लीज़ जज मत करना। मैं ऐड करूँगी शुगर, आप पानी में शुगर मिला के भी ऐड कर सकते हो, बट मैं पहले शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ऐसे ही देखा है। ओके गाइस, शुगर ऐड करने के बाद अब आपको डालना है पानी, जितना हमने आटा डाला था उससे डबल क्वांटिटी में, और बिल्कुल धीरे धीरे करके डालना है क्योंकि गर्म होगा तो छींटे भी आ सकती हैं ऊपर, और जल्दी जल्दी से इसको मिला लेना है ताकि लम्स ना पड़े। अब
और ये धीरे धीरे अपने आप ही गाढ़ा होता जाएगा। सी और ये बस हमारा हलवा रेडी हो गया है। थोड़ा सा और पकाएंगे अभी हम। जब ये पूरा घी अलग हो जाएगा इसमें से, इट मीन्स कि हमारा हलवा बन गया है। हाँ यार, मैंने पहली बार बनाया था एंड बन गया गाइस। गाइस प्रसाद तो मैंने बना दिया है, बट अभी मेरी मम्मा से बात हुई, उन्होंने कहा था 4 गुना पानी डलता है और मैंने डबल पानी डाल दिया। अब पता नहीं अब ये टेस्ट में कैसा होगा। दिखने में तो सेम बिल्कुल नहीं लग रहा है जैसे गुरुद्वारे में मिलता है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, पहली बार बनाया है। अब भोग लगाते हैं बाबा जी को और मैं फटाफट से पाठ भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बनाया मैंने, क्योंकि पहली बार बनाया, मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी। ओके गाइस, सो भोग लग चुका है, अब बारी है टेस्ट की। दिखने में तो मैं बताऊँ बिल्कुल भी गुरुद्वारे जैसा तो नहीं लग रहा है ये। टेस्ट में देखते हैं। ओके बना है। लाइक मेरे हिसाब से ना मैंने घी बहुत ज़्यादा डाल दिया है, मुझे लगा था जितना घी ज़्यादा डलेगा उतना अच्छा होगा, बट बहुत ज़्यादा घी हो गया मेरे अकॉर्डिंग। बाकी पता नहीं अभिषेक जब आएगा उसको खिलाएंगे, उससे पूछेंगे, उसका रिव्यू लेंगे। वैसे अच्छा है, नॉट बैड, फर्स्ट ट्राई के हिसाब से बहुत अच्छा है। गाइज अभिषेक अपनी अमीरी दिखा रहा है हमें। अभिषेक दिखाइयो कितने पैसे तेरे पास। ओहो दिखा, इतने सारे पैसे देख, चोरी ना हो जाए हमारे घर में। संभाल के रख दे फटाफट। मेरे 100 रुपया इंडिया में नहीं है, हम 100 रुपया मैं इंडिया में ही हूँ। जल्दी से ना इसको लॉकर में छुपा ले, कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए अभिषेक। तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है कितने है। मुझे तो अभी तक नहीं याद हुआ कि कौन सा कितने कितनी पैनी है कितनी नहीं है। इंडियन रुपीस भी है इसमें गाइज, इंडियन रुपीस भी हम चला लेते हैं। हमने ना यहाँ पे वो ट्रॉली में फंसा दिया था 10 रुपये, है ना, 10 का सिक्का फंसा दिया था ना हमने डॉलर की जगह। पर क्या फ़ायदा, वो वापस ही मिल जाते हैं। पता नहीं कुछ लोग होते हैं ना पर ये अभिषेक जैसे जो ऐसे काम करते हैं। मुझे तो अभी तक याद नहीं हुआ कौन से कितनी पैनी है, ये कितनी है, ये 10 पैनी है गाइज। ये देखो लिखा है ना 10 पेंस, बस खत्म होगी। हमारे पास बस 3 पाउंड है, वो भी ये एक एक पैनी है, अभी इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ये 10 इकट्ठी करके 10 पैनी होगी। 10 रुपये भाई साहब, क्या हरकतें हैं। दो पैनी है मेरे पास, वो नहीं 5 पैनी होगी, तो बड़ी वाली है। सबसे छोटी कितनी है, 1 पैनी 5 सबसे छोटी 1 पैनी, बड़ी वाली है 1 पैनी, ये 1 पैनी। गाइज मैंने अपने बाल काटे हैं, देखो मैं कितनी गंदी सी लग रही हूँ। अभिषेक मैंने अपने बाल काट लिए, देखो आगे से ये देखो। तेरे नाम गाइज मैं सो गई थी और अभिषेक ने हलवा खुद से ही खा लिया, रिव्यू देने का टाइम ही नहीं मिला और हलवा खत्म हो गया, मतलब प्रसाद खत्म हो गया। अभिषेक मुंह से ही बता दो कैसा बना था, इधर आके इधर आके बताओ। बेइंतहा स्वाद, बेइंतहा स्वाद। हाँ वो क्या होता है बेइंतहा स्वाद, मतलब बहुत स्वाद, पहली करारा पाया है। बताओ ना इधर आके दस देता है, बहुत स्वाद बने। मुझे दोबारा बनाना चाहिए। हाँ रोज बनाना चाहिए, रोज बनाना चाहिए। हाँ। इतना देसी घी खा खा के मोटे हो जाएंगे। मैं तो पहले फिर मोटी हो रही हूँ यार। मैंने सुना था कि बाहर जाके लोग पतले होते हैं और हम दोनों मोटे हो रहे हैं, है ना,
मैं भी मोटी हो गई हूँ, अभिषेक भी थोड़ा सा फर्क हुआ है, उसको भी मोटा मोटा सा लग रहा है। इधर आ तो ऐसे फोकस में नहीं आएगा, मेरा फोन सिर्फ मुझे फोकस में लेता है। ओके गाइस, मैं व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि अब कुछ करने लायक बचा नहीं है, है ना। अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको नेक्स्ट व्लॉग क्या देखना है, हाउस टूर देखना है या कुछ और देखना है, या कुछ यूके रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, कुछ भी कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। चलो बाय।